न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचना। सुबह 8 बजे की खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। चुनाव आयोग ने गोपीनाथ मुंडे को नोटिस भेजा है। आयोग ने मुंडे से पूछा है कि आपने 2009 में चुनावी खर्च ठीक ठीक नहीं बताया। चुनाव आचार नियम 1961 के तहत आपको अयोग्य करार दिया जा सकता है। आयोग ने मुंडे से इसका जवाब 20 दिन के अंदर मांगा है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मुंडे ने चुनाव में 8 करोड़ रूपये खर्च करने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि गोपीनाथ मुंडे ने जो बयान दिया है उस पर चुनाव आयोग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन्होंने हलफनामा दाखिल तक किया है और उस हलफनामे में ये कहा है कि उनका खर्चा 25 लाख से कम रहा है या जो भी रहा है, और वो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि हमने 7-8 करोड़ रूपया खर्च किया है, तो इसमें जो विरोधाभास है इसका वो स्पष्टीकरण दें। ये देश के लिए भी उचित रहेगा और चुनाव आयोग का तो ये जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने सच बयां किया है। उन्होंने कहा कई सांसद तो चुनाव जीतने के लिए 100-100 करोड़ तक खर्च कर देते हैं। उन्होंने सच कह दिया, लोग सच से डरते हैं। आज तो बहुत छोटी रकम कही, अच्छी बात तो 100-100 करोड़ रूपये लोग पार्लियामेंट के चुनाव लड़ते हैं। सत्य सहाय चुनाव आयोग भी जानता है, सब जानता है, लेकिन सत्य कहने से कतराते हैं। मैं तो कहूंगा तो चुनाव आयोग को सुधार करना चाहिए और चुनाव का पूरा खर्चा अपने ऊपर वहन कर लेना चाहिए, जिससे प्रत्याशी को सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार रहे।